आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। क्या आपको पता है कि एक पोस्ट ऑफिस जो कि पानी पे फ्लोट करता है और एक ऐसा विलेज जहाँ एक भी घरों में डोर्स नहीं है और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहाँ लोकेट करता है। इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे कई फैक्ट, सो एंड तक जरूर वीडियो को देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 15, छनी सिंगापुर। यह गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस गांव की खासियत है कि यहां एक भी घर में दरवाजे नहीं है, मतलब कि सच में एक भी घरों में दरवाजे नहीं है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि 300 साल पहले एक दिन वहां के रहने वाले को एक ब्लैक कलर का रॉक मिला और उसी रात को गाँव वालों के सपने में शनि भगवान आए और उन्हें बताया कि वो उनकी मूर्ति है और गाँव की रक्षा करेंगे। उस दिन से लोग ये मानते हैं कि शनि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए गाँव वाले घरों में दरवाजे नहीं लगाते हैं। आज तक वहाँ एक भी चोरी नहीं हुई है। ये बिलीव है गाँव वालों का शनि देव पे। फैक्ट नंबर 14, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, मैसन राम। क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? तो वो है मैसन राम विलेज, जो कि मेघालय में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल होने वाली जगह भी मानी जाती है। और तो और यहाँ लगभग 11,873 मिलीलीटर पर ईयर बारिश होती है। और तो और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप सभी को पसंद तो होगा ही। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि एक रिसर्च से पता चला है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और रिसर्च में ये भी बताया गया है कि 2015 में ओवरऑल 155.5 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस किया गया था। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जाने का रिकॉर्ड भी इंडिया के पास ही है। फैक्ट नंबर 12, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि यूएसए में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, अप्रोक्सीमेटली 225 मिलियन। यूएसए के बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया, जहां यूएसए के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। अराउंडली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 125 मिलियन लोग इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 11, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में ज्यादातर लोग ट्रैवलिंग बाय रोड करते हैं। यही बात तो फैक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाती है कि इंडिया में 1.9 मिलियन किलोमीटर का रोड नेटवर्क है और यह दुनिया में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है आफ्टर यूएसए। आप इंडिया में बाय रोड नॉर्थ टू साउथ वेस्ट टू ईस्ट जा सकते हैं, मतलब कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर तक रोड से जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया में मंदिर और मस्जिद सबसे ज्यादा है। तो आपने कभी सोचा है कि टोटल मस्जिद कितने होंगे पूरे इंडिया में? तो आपको जान के हैरानी होगा कि ओवरऑल 3 लाख मस्जिद है, मतलब कि मॉस्क्यूज पूरे इंडिया में है, वो भी 14.2% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन बींग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। और तो और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मस्जिद इंडिया में ही लोकेट करते हैं, उसमें से फेमस वन है जामा मस्जिद न्यू दिल्ली। फैक्ट नंबर 9, इंडियन नेशनल कबड्डी टीम। कबड्डी आपने बचपन में खेली होगी, पर आपको शायद ही पता होगा कि इंडियन कबड्डी टीम ने 6 बार वर्ल्ड कप खेली है और जीती भी है। पर आपको क्या लगता है कितनी बार जीती होगी? तो आपको जान के हैरानी होगा कि 6 बार खेली और 6 के 6 बार जीती है वर्ल्ड कप। ये इंडिया ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। आज तक इंडियन कबड्डी टीम को कोई भी वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाया है। दिस मेक्स अस टू प्राउड ऑन अवर इंडिया। फैक्ट नंबर 8, ऑफिसर्स विलेज ऑफ इंडिया। ये विलेज उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इस विलेज का नाम है मधुपति। और इस गांव ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कि 75 घर में से 47 आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, वो भी एक गांव से 47 आईएएस ऑफिसर इंडिया को दे चुके हैं। कैन यू इमेजिन? और तो और गांव के बाकी लोग अपना करियर इसरो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वर्ल्ड बैंक जैसे
कई हाई लेवल पोस्ट पे है। ऑल दिस मेक्स द अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस विलेज है ना गजब का विलेज। फैक्ट नंबर 7, क्या वेजिटेरियन है? तो ये फैक्ट आपके लिए है, तो आपको जान के बहुत प्राउड होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन इंडिया में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंडिया का पॉपुलेशन हिंदुइज्म या हिंदू धर्म को मानता है। अराउंडली 29% टू 40% ऑफ पीपल आर वेजिटेरियन इन इंडिया। ज्यादा वेजिटेरियन होने के कारण है कि इंडिया ज्यादातर कल्चर और रिलीजियस पे बिलीव करता है। दैट्स व्हाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस आर देयर इन इंडिया। फैक्ट नंबर 6, राइट्स फॉर काउ इन इंडिया। क्या आपको पता है कि गाय पे भी नियम कानून होते हैं, और बिना नियम कानून को फॉलो किए बिना हम गाय के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अपनी मदर के बाद गौ माता को सेकंड मदर माना जाता है ड्यू टू हिंदू माइथोलॉजी। दैट्स व्हाई ये नियम कानून है जो गायों की बिक्री मतलब सेल और वध मतलब किल को रोकता है और उनकी हेल्प करता है। ये राइट्स गायों के लिए बनाया गया है कि उनकी रक्षा की जा सके। फैक्ट नंबर 5, हाईएस्ट पीक इन हिमालय। जैसे आप सबको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जो कि है 8,848 मीटर्स का है। वैसे ही दुनिया का टॉप 9 हाईएस्ट पीक्स आर इन हिमालय आउट ऑफ 10 हाईएस्ट पीक्स, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा पीक्स एक्सेप्ट 1 बाकी 9 हिमालयस में ही है। दैट द अमेजिंग फैक्ट ऑफ अवर ग्रेट हिमालय। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ स्थान मतलब कि जगह है। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थान कौन सा है? तो वो है द होली सिटी ऑफ बनारस और वाराणसी सिटी, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है और लगभग 3000 साल पुराना भी है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ये माना जाता है कि इस जगह को 5000 साल पहले भगवान शिव जी ने ढूंढा था। बाय दिस वे ये दुनिया का सबसे पुराना जगहों में से एक है। फैक्ट नंबर 3, द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। जैसे आप सबको पता ही है इंडिया एक क्रिकेट प्रेमी देश है, और वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स भी है, इसलिए आपको ये जान के बहुत प्राउड फील होगा कि दुनिया का सबसे ऊंची जगह पे स्थित क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में ही है। इस ग्राउंड का नाम है चैल क्रिकेट ग्राउंड। ये लगभग 8,018 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ग्राउंड 1893 में बनाया गया था, और ये ग्राउंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 2, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। आपने कई पोस्ट ऑफिस देखे होंगे, पर आपने कभी पानी पे फ्लोट करते हुए पोस्ट ऑफिस देखे हो क्या? नहीं ना, तो ये देख लो, ये पोस्ट ऑफिस कश्मीर के श्रीनगर सिटी पे दाल लेक पर स्थित है। ये एक बोट हाउस पे बनाई गई है, इसलिए इसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है, और ये बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन भी बन चुकी है इसके यूनिकनेस के कारण। और इस बोट पे एक म्यूजियम भी है जहां पर स्टैम्प्स, पोस्टकार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड की कलेक्शन भी है। अगर आपको फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा है तो एक लाइक कर देना। फैक्ट नंबर 1, ये इमेज को देख रहे हो, ये कुछ लेक जैसा दिखता है ना, पर आपको क्या पता है कि ये लेक कैसे और कब बनाया गया होगा? तो आप सबको जान के हैरानी होगा कि ये लेक किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि एक पलमेटिंग मिट्योर के गिरने के कारण ये लेक बन गया, वो भी 52,000 ईयर पहले ये मिट्योर गिरा था और ये एक लेक के साइज का फॉर्म ले लिया, और बारिश के पानी भरने के कारण ये लेक बन गया। कैन यू इमेजिन दैट कि ये मिट्योर कितना बड़ा होगा कि एक लेक बना दिया। आज ये जगह लोनार लेक के नाम से जाना जाता है, और ये लोकेट करता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगर आपने पहले से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, पर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को भी कर दो ऑन फॉर न्यू अपडेट्स, जो कि आपको मिल जाएगी, और ये बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें से कौन सा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लगा कमेंट करके बताओ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर जल्दी से फॉलो कर लो, और इनके रियल लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।